बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज हमने न्यूक्लियर फिजिक्स का चैप्टर 21 सेकंड ईयर का एक टॉपिक डिस्कस करना है। जीएम काउंटर। हम पढ़ चुके हैं जो न्यूक्लियर रेडिएशंस हैं वो तीन किस्म की हैं, अल्फा रेडिएशंस, बीटा रेडिएशंस और गामा रेडिएशंस। ये रेडिएशंस हमें दिखाई नहीं देती, हम इनको नहीं देख सकते, तो इनको डिटेक्ट करने के लिए भी हम क्या करते हैं, डिवाइसेस इस्तेमाल करते हैं। तीन किस्म के डिटेक्टर हमारे बुक ने डिस्कस किए हैं, उनमें से एक डिटेक्टर है जीएम काउंटर। बेसिकली ये है, इसका इंट्रोडक्शन देख लें। इंट्रोडक्शन, इट इज अ वेल नोन रेडिएशन डिटेक्टर। ये ऐसी डिवाइस है जो किस लिए इस्तेमाल होती है, रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए। अब इसमें होता क्या, इट इज अ गैस काउंटर। रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए हम इसमें क्या करते हैं, गैस को इस्तेमाल करते हैं। इट इज अ गैस काउंटर। हमारे पास एक मेटालिक सिलेंड्रिकल ट्यूब होती है, बहुत बड़ी नहीं होती, स्मॉल उसका साइज होता है। उसमें हम क्या करते हैं, उस ट्यूब को फिल कर देते हैं गैस से। इट इज अ गैस काउंटर। अब उस गैस को हम, जो गैस हम इस्तेमाल करते हैं, दैट इज नोबल गैस, इनर्ट गैस, इनर्ट गैस जिसको हम कहते हैं। अब वो इनर्ट गैस जो हम इस्तेमाल करते हैं वो क्या हो सकती है, नियॉन गैस, नियॉन और आर्गन इज यूज्ड फॉर डिटेक्शन। इस गैस को हम कहते हैं प्रिंसिपल गैस। अब जो हमारे पास जीएम ट्यूब होती है, उस ट्यूब को हम फिल कर देते हैं नियॉन और आर्गन गैस से। गैस का नाम क्या है, प्रिंसिपल गैस, और ट्यूब इज फिल्ड एट वेरी लो एटमॉस्फेरिक, एट वेरी लो प्रेशर। अब वो प्रेशर होता है 0.180 atm। ये बातें याद रखने वाली। जीएम काउंटर क्या है, एक डिवाइस है जो क्या करती है, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशन को डिटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल होती है। अब ये दिस कंसिस्ट ऑफ अ मेटालिक सिलेंड्रिकल ट्यूब, ट्यूब इज फिल्ड विथ नियॉन और आर्गन गैस एट 0.1 atm प्रेशर। अब इसकी डायग्राम देखें, डायग्राम हमारे पास एक सिलेंड्रिकल मेटैलिक सिलेंड्रिकल ट्यूब जिसको एक तरफ से सील कर दिया जाता है और दूसरी तरफ हम इस्तेमाल करते हैं माइका विंडो। दिस इज अ माइका विंडो जिसमें से रेडिएशंस ट्यूब के अंदर एंटर होती है। दिस इज माइका विंडो। अब इसमें एक सेंट्रल वायर विच एक्ट एज अ एनोड, और ट्यूब की जो वाल्व्स हैं, वाल्व एक्ट एज अ कैथोड। सेंट्रल वायर एक्ट एज अ एनोड, और जो ट्यूब की वाल्व हैं, सिलेंड्रिकल ट्यूब्स हैं, इसकी जो वाल्व हैं वो एक्ट करती हैं एज अ कैथोड। मतलब ये जो सेंट्रल वायर है इसको हम क्या करते हैं, बैटरी के पॉजिटिव से अटैच कर देते हैं, और
जो सेंट्रल वायर है इसको बैटरी के पॉजिटिव से, और जो ट्यूब की बाल्स हैं इनको हम क्या करते हैं बैटरी के नेगेटिव से अटैच कर देते हैं। तो सेंट्रल वायर एनोड बन जाती है और बाल्स एक्ट ऐसा कैथोड। जी इसको हम शो कर देते हैं। यहां हमने दो इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किए, ये पॉजिटिव, और यहां हमने एक और इलेक्ट्रोड इस्तेमाल किया दैट इज नेगेटिव। पॉजिटिव को क्या किया सेंट्रल वायर के साथ अटैच कर दिया, और नेगेटिव को क्या किया हमने वाल्स को क्या किया नेगेटिव इलेक्ट्रोड से अटैच कर दिया, और फिर हमने ये सर्किट कंप्लीट कर लिया। यहां हम इस्तेमाल करते हैं एक सपोज लाउड स्पीकर है या कोई काउंटर, दिस इज अ काउंटर, ये सर्किट हमारा कंप्लीट। दिस इज डायग्राम। डायग्राम में क्या है मेटेलिक सिलेंड्रिकल क्यूब जिसमें सेंट्रल वायर को हमने बैटरी के पॉजिटिव से, तो दिस एक्ट एज अ एनोड, और जो वाल्स हैं क्यूब की उसको हमने क्या किया बैटरी के नेगेटिव से, तो दीज वाल्स एक्ट एज अ कैथोड, और दरमियान में करंट को काउंट करने के लिए हमने एक काउंटर इस्तेमाल किया। यह इसकी डायग्राम। ओके अब इसकी वर्किंग देखें, तो वर्किंग ये कैसे वर्क करता है, बेसिकली इस डिवाइस को हम इस्तेमाल करते हैं रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए। अब हमने पढ़ा था जो तीनों किस्म की रेडिएशंस हैं अल्फा बीटा और गैमा रेडिएशंस, जब भी ये मैटर में से पास करती है तो मैटर के एटम्स को क्या करती हैं आयनाइज करती हैं। सपोज कि यहां हमारे पास एक आर्गन या नियॉन का एटम है, आर्गन एटम, बाहर से क्या हुआ रेडिएशंस वर्किंग। इसमें दो तीन बातें जो बड़ी इंपॉर्टेंट है जो एमसीक्यूज में आ सकती हैं जिनको हम लाजमी याद रखेंगे। बाहर से रेडिएशंस एंटर हुई, इस मैटर के साथ क्या करती है वो इंटरेक्ट करती है। सपोज अल्फा रेडिएशंस आई, अल्फा रेडिएशंस ने क्या किया आर्गन एटम को आयनाइज किया, मतलब हमें क्या मिल गया यहां पे हियर वी गेट पॉजिटिव आर्गन आयन, और हमें क्या मिल गया एक इलेक्ट्रॉन। पॉजिटिव आयन को मैंने ब्लू से शो कर दिया और इलेक्ट्रॉन को मैंने ब्लैक से शो कर दिया। अब क्योंकि हमने यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है, सेंट्रल वायर को हमने क्या किया हुआ पॉजिटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया, और वाल को हमने क्या किया हुआ नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड किया, तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये पॉजिटिव आयन और इलेक्ट्रॉन्स क्या करेंगे अपने अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन ये सेंट्रल वायर क्या करेगी इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगी, जब ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रल वायर की तरफ मूव करेगा तो क्या होगा, जब ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रल वायर की तरफ मूव करेगा तो रास्ते में आने वाले जो मजीद आर्गन के एटम्स हैं उनके साथ ये क्या करेगा कोलाइड करेगा। जब ये मूविंग इलेक्ट्रॉन मजीद आर्गन एटम से कोलाइड करेगा तो आर्गन एटम्स को क्या करेगा फर्दर आयनाइज करेगा। इस तरह से एक इलेक्ट्रॉन की कैस्केड, एक इलेक्ट्रॉन की कैस्केड एक लंबी कतार क्या करेगी सेंट्रल वायर की तरफ मूव करेगी, और जब ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रल वायर में आएंगे हमारी डिवाइस क्या करेगी इनको काउंट कर लेगी एज अ स्केल, करंट पल्स के तौर पर एक करंट पल्स बन जाएगा। जब ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रल वायर पर पहुंचेंगे तो हमारी डिवाइस इसको काउंट कर लेगी एज अ करंट पल्स। ये बेसिकली ये जो काउंटर है दिस इज लाउड स्पीकर, कि जब इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल वायर पर पहुंचते हैं ये इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं स्पीकर में से गुजरते हैं तो ये स्पीकर क्या करते हैं एक क्लिक शो कर देता है जिसका मतलब वन करंट पल्स। इस तरह से हम क्या करते हैं रेडिएशंस को एक करंट पल्स, तो इसका मतलब एक अल्फा पार्टिकल एक रेडिएशन एंटर हुई,
जब दो करंट पल्स हो जाएंगे, दो बार क्लिक होगा तो इसका मतलब दो अल्फा पार्टिकल्स एंटर हो गए, जब तीन क्लिक हो जाएंगे तो इसका मतलब तीन करंट पल्स, तीन अल्फा पार्टिकल्स एंटर हो गए। तो इस तरह से जब अल्फा पार्टिकल्स ट्यूब में एंटर हुए, आर्गन एटम्स को आयोनाइज किया, आर्गन एटम्स जब आयोनाइज हुए इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, सेंट्रल वायर की तरफ मूव करते हैं। जब इलेक्ट्रॉन सेंट्रल वायर की तरफ मूव करते हैं तो रास्ते में आने वाले मजीद आर्गन एटम्स को आयोनाइज करते हैं। जब आर्गन एटम्स आयोनाइज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की एक लंबी कतार सेंट्रल वायर की तरफ मूव करती है। जब ये इलेक्ट्रॉन्स लाउड स्पीकर में से गुजरते हैं तो लाउड स्पीकर क्लिक शो करता है, जिसका मतलब हमने क्या किया, रेडिएशंस को डिटेक्ट कर दिया। ओके, अब देखिए इसमें फिर रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए हमें यहाँ पे जो आर्गन है वो न्यूट्रल चाहिए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, आर्गन किस फॉर्म में चाहिए, न्यूट्रल फॉर्म में चाहिए। अब ये पॉजिटिव आयंस क्या करते हैं, वाल्स की तरफ मूव करते हैं, क्योंकि पॉजिटिव आयंस एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन्स वो हैवी हैं। एक और इसमें जो समझने वाली बात है, जो इलेक्ट्रॉनिक पल्स है इसको एनोड तक पहुंचने में जो टाइम लगता है, इलेक्ट्रॉन वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज, इलेक्ट्रॉन पल्स रिक्वायर्ड टाइम लेस देन 1 माइक्रो सेकेंड, वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। सारे इलेक्ट्रॉन्स को एनोड तक पहुंचने में टाइम कितना लगता है, लेस देन 1 माइक्रो सेकेंड। अब इसके बाद जो आर्गन आयंस हैं वो क्या करते हैं, ट्यूब की वाल्स की तरफ मूव करते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि आर्गन एटम्स आर्गन आयंस इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में हैवी हैं, और हमने जो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की हुई है वो तो सेम है, जो फील्ड हमने इलेक्ट्रॉन के लिए अप्लाई की वही फील्ड आर्गन के लिए। तो हमें पता है एफ इज इक्वल टू ई ओवर ओके एफ इज इक्वल टू एम ए, और यहां से ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम। अब चूंकि आर्गन आयंस का मास ज्यादा है तो उनका एक्सेलरेशन क्या होगा, कम होगा, और उनको एनोड कैथोड तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगेगा। इलेक्ट्रॉन्स बड़ी जल्दी एनोड पे पहुंच गए, आर्गन एटम्स को कैथोड तक, आर्गन आयंस को कैथोड तक जाने में टाइम ज्यादा लगता है। जब तक ये कैथोड पे नहीं पहुंच जाते, जब ये कैथोड पे पहुंचेंगे वहां से क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन्स गेन करेंगे और क्या हो जाएंगे, न्यूट्रल हो जाएंगे। जब ये आर्गन आयंस न्यूट्रल होंगे फिर फर्दर रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के काबिल होंगे। अब होता क्या है कि जब तक आर्गन एट आइंस कैथोड तक नहीं पहुंच जाते, जितनी मर्जी रेडिएशंस एंटर होती रहे हमारी डिवाइस इनको डिटेक्ट नहीं करती। अब ये वाला जो टाइम है, जिस टाइम के लिए डिवाइस वर्क करना छोड़ देती है, इसको हम कहते हैं डेड टाइम। और डेड टाइम कितना है, सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट एमसीक्यू, डेड टाइम फॉर जीएम काउंटर 10 to the power -4 सेकेंड, मतलब इतना टाइम लगता है आर्गन आइंस को कैथोड तक पहुंचने में। जब ये कैथोड पे पहुंचते हैं फिर कैथोड से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स गेन करते हैं और क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल एटम्स, फिर ये फर्दर रेडिएशंस को काउंट करने के काबिल होते हैं। तो इतने टाइम के लिए हमारी डिवाइस कोई रेडिएशंस डिटेक्ट नहीं करती, इस टाइम को कहते हैं डेड टाइम। ये टाइम क्यों जनरेट हुआ, क्योंकि आर्गन एटम्स आर्गन आयंस इलेक्ट्रॉन्स के मुकाबले में हैवी, तो इनको एनोड इनका मास ज्यादा, इनका एक्सेलरेशन कम, तो इनको कैथोड तक पहुंचने में टाइम ज्यादा लगा, इसलिए इतने टाइम के लिए हमारी डिवाइस ऑफ हो। इसके बाद नेक्स्ट देखें, फिर एक और प्रॉब्लम आती है, जब आर्गन आइंस आर्गन आइंस कैथोड पे पहुंचते हैं तो ये क्या करते हैं, मेटल से कैथोड ट्यूब की वाल से जाके कोलाइड करते हैं।
जब ट्यूब की वाल्स के साथ कोलाइड करते हैं तो अपनी एनर्जी ट्यूब के साथ शेयर करते हैं, और यहां से फिर क्या करते हैं, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को मेटल ट्यूब की वाल से क्या करते हैं, फर्दर इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करते हैं। और ये इलेक्ट्रॉन्स भी क्या करते हैं, किस तरफ मूव करना शुरू कर देते हैं, सेंट्रल एनोड की तरफ। और जब ये इलेक्ट्रॉन्स एनोड पे पहुंचते हैं, हमारी डिवाइस फिर इनको क्या करती है, डिटेक्ट करती है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस हुए हैं, ये रेडिएशंस की वजह से नहीं है, बल्कि किस वजह से है, कि जब इलेक्ट्रॉन्स मेटल की वाल से टकराते हैं, वहां से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एमिट करते हैं, और हमारी डिवाइस इनको भी क्या करती जा रही है, डिटेक्ट करती जा रही है। अब ये जो करंट पल्स है, दीज आर फेक, ये रेडिएशंस की वजह से नहीं है, बल्कि पॉजिटिव आयंस के मेटल सरफेस से टकराने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन्स, ये करंट पल्स बनता है। हमारी डिवाइस को ये नहीं पता कि ये जो इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ये जो करंट पल्स बन रहा है, वो रेडिएशन की वजह से है या जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकले उनकी वजह से। तो ये जो काउंट्स हैं, इनको हम कहते हैं फेक फेक काउंट्स। एक्चुअल काउंट कितना था, 1, लेकिन पॉजिटिव आयंस के मेटल ट्यूब से, मेटल की वाल से टकराने पे फर्दर इलेक्ट्रॉन्स निकले, तो हमारी डिवाइस उनको भी क्या करती जा रही है, एक्चुअल काउंट 1 था, हमारी डिवाइस ने कितना काउंट कर दिया, 2। एक्चुअल क्लिक कितना होना चाहिए था, 1, लेकिन हमारी डिवाइस ने कितने क्लिक शो कर दिए, 2। तो इनको कैसे, ये जो फेक काउंट्स बन रहे हैं, इनको रिड्यूस करने के लिए हम एक प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, जिसको हम कहते हैं क्विंचिंग। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू आ सकता है, क्विंचिंग, QUENCHI, क्विंचिंग। अब क्विंचिंग दो किस्म के हम इस्तेमाल करते हैं, एक को हम कहते हैं गैस और सेल्फ क्विंचिंग, और सेकेंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग। दो किस्म की क्विंचिंग, क्विंचिंग का पर्पस क्या, जो फेक काउंट्स बन रहे हैं इनको रिड्यूस करना है, इनको खत्म करना। अब गैस और सेल्फ क्विंचिंग क्या है, तो इसमें हम क्या करते हैं, दो किस्म की क्विंचिंग, गैस आर सेल्फ क्विंचिंग, और सेकंड वन इज इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग। जी, गैस आर सेल्फ क्विंचिंग, इसमें क्या किया जाता है, गैस और सेल्फ क्विंचिंग। अब इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे पास प्रिंसिपल गैस थी, सपोज आर्गन, इसमें क्या किया जाता है, ब्रोमीन को ऐड कर दिया जाता है, ब्रोमीन इज कॉल्ड क्विंचिंग गैस, ब्रोमीन इज कॉल्ड क्विंचिंग गैस। और ब्रोमीन का जो आयनाइजिंग पोटेंशियल है, ब्रोमीन का आयनाइजिंग पोटेंशियल लेस देन आर्गन। क्विंचिंग का मतलब होता है झपट के खींचना। अब होगा क्या कि आर्गन आइंस, हमने ट्यूब में क्या किया, आर्गन के साथ किसको मिक्स कर दिया, ब्रोमीन। अब आर्गन आइंस क्या करेंगे, ट्यूब की वाल से, ट्यूब की वाल्स तक पहुंचने से पहले ही क्या होंगे, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। वो कैसे, कि ये क्या करेंगे, ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेंगे, खींचेंगे। और जब आर्गन आयंस ब्रोमीन से इलेक्ट्रॉन्स खींचेंगे, तो दीज बिकम न्यूट्रल। इस तरह से जो पहले डेड टाइम कैसे जनरेट हुआ, जब तक ये न्यूट्रल, न्यूट्रल कब होते थे, जब ये ट्यूब की वाल्स पे पहुंचते थे, वाल्स जाके इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते थे, फिर आर्गन एटम्स क्या करते थे, आर्गन आयंस क्या होते थे, न्यूट्रल। उतनी देर की हमारी डिवाइस ऑफ हो जाती थी, जिसको हमने डेड टाइम कहा। अब इसमें क्या होगा, हमने प्रिंसिपल गैस आर्गन के साथ ब्रोमीन को भी मिक्सअप कर दिया। अब आर्गन एटम्स
क्या करते हैं, आर्गन आयंस क्या करते हैं, पहले ही ब्रोमीन से एटम्स को खींचते हैं और क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल्स। इस तरह से ये फर्दर रेडिएशंस को, फर्दर आने वाली रेडिएशंस को डिटेक्ट करेंगे। ब्रोमीन का क्या होगा, ब्रोमीन के पास एनर्जी कम है, ब्रोमीन के जो आयंस हैं ये क्या करेंगे, कैथोड में पहुंचेंगे, सिर्फ क्या करेंगे, कैथोड से इलेक्ट्रॉन्स लेंगे और ये भी क्या बन जाएंगे, न्यूट्रल एटम्स में चेंज हो जाए। इनके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स को निकाल सके, ये क्या करेंगे, जो पीछे से हमारे सर्किट से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ब्रोमीन के आयन सिर्फ उन्हीं को एक्सेप्ट करेंगे और ब्रोमीन एटम्स में चेंज हो जाएंगे। इस तरह से जो फेक काउंट बन रहे थे उनको हमने कैसे रिड्यूस किया, प्रिंसिपल गैस के साथ ब्रोमीन गैस जिसको हमने क्विंचिंग गैस कहा उसको मिक्स कर दिया, इसका आयनाइजिंग पोटेंशियल कम है, मतलब आर्गन क्या करता है, ब्रोमीन से इजीली इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और आर्गन कन्वर्टेड इनटू न्यूट्रल आर्गन एटम। ब्रोमीन एटम्स क्या करते हैं, कैथोड पे पहुंच के वहां से क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेप्ट करते हैं और वो भी क्या हो जाते हैं, न्यूट्रल ब्रोमीन एटम्स में चेंज हो जाते हैं। इसके बाद इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग क्या है, अब डिवाइस में ही हम ये सेटिंग करते हैं कि जब रेडिएशन आती है इलेक्ट्रिक पल्स बनता है, हमारी डिवाइस इसको क्या करती है, डिटेक्ट कर लेती है एज अ स्केल वन करंट पल्स, फिर दूसरी रेडिएशन आएगी तो ये डिटेक्ट कर लेगी एज अ टू, फिर तीसरी रेडिएशन आएंगी तो ये डिटेक्ट कर लेगी एज अ थ्री। अब जो फेक काउंट्स बन रहे थे उनको रिड्यूस करने के लिए क्या किया जाता है, डिवाइस में ही ये सेटिंग की जाती है कि जब हमारी डिवाइस रेडिएशंस की वजह से जो करंट बनता है उसको डिटेक्ट कर चुकी होती है तो सेंट्रल वायर को हम बना देते हैं कैथोड, ऑटोमेटिकली डिवाइस में सेंट्रल वायर को क्या, कौन सा चार्ज प्रोवाइड कर दिया जाता है, नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया जाता है और जो वाल्व्स हैं इनको हम प्रोवाइड कर देते हैं पॉजिटिव पोटेंशियल। तो होता क्या है, जो मेटल सरफेस से ट्यूब की वाल से जो इलेक्ट्रॉन्स निकल के किस तरफ जा रहे थे, सेंट्रल वायर की तरफ, तो अब सेंट्रल वायर को हमने नेगेटिव पोटेंशियल प्रोवाइड कर दिया और वाल्स को पॉजिटिव, तो सेंट्रल वायर क्या करेगी, इनको रिपेल करेगी और पॉजिटिव पोटेंशियल क्या करेगा, इनको अट्रैक्ट करेगा। इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन्स सेंट्रल वायर तक नहीं पहुंच पाएंगे और इस तरह से जब ये इलेक्ट्रॉन सेंट्रल वायर तक नहीं पहुंच पाएंगे तो जो फेक काउंट्स बन रहे थे वो बनना भी क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रॉनिक क्विंचिंग। इससे हम क्या करते हैं, जो फेक काउंट्स बन रहे थे उनको रिड्यूस कर दिया जाता है। अब इसके यूजेस, एक दो यूजेस देख लेते हैं। तो यूजेस, इसको हम यूज करते हैं तीनों किस्म की रेडिएशंस को, अल्फा बीटा और गामा रेडिएशंस को डिटेक्ट करने के लिए। उनकी हम क्या कर सकते हैं, पेनिट्रेटिंग पावर भी क्या की जा सकती है, जीएम काउंटर की मदद से डिटेक्ट की जा सकती है। फिर इसका एक साइड इफेक्ट ये है कि इसमें 10^-4 सेकंड के लिए डिवाइस क्या हो जाती है, ऑफ हो जाती है, जिसको हम कहते हैं डेड टाइम। इससे हमारा टाइम क्या होता है, जाया होता है। ओके, ये टॉपिक कंप्लीट हो गया, इसको लास्ट में देखिएगा, इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और एमसीक्यूज भी आ सकता है।